बेस्ट लिनन पैंट्स फॉर मैन। आज की वीडियो में भाई जितनी भी पैंट्स आई है ना वो कुछ कंडीशंस के ऊपर आई है जो मैं तुम्हें ऑलरेडी बताना चाहता हूँ। सुन मेरी बात। सबसे पहला तो है कि क्वालिटी शुड बी ड्यूरेबल। सेकंड, नो मिक्स चीप स्टफ। मुझे नहीं चाहिए भाई कि तुम्हें लिनन बोलकर पॉलिएस्टर बेचा जा रहा है और तुम सिर्फ पागल बन रहे हो लुक के चक्कर। हाँ, इस बजट में तुम्हें कॉटन लिनन देखने को मिलेगा जिसमें रेशोज होते हैं लिनन के, और लिनन लेने जाओगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। कॉटन लिनन एंड लिनन आर डिफरेंट मटेरियल्स। परसेंटेज ऑफ कॉटन एंड लिनन अलग अलग वैरी करती है और वो बताती है कि लिनन ट्राउजर्स में तुम्हारा कितना ज्यादा मटेरियल कौन सा डाला हुआ। एक्चुअल लिनन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये है प्योर लिनन की एक शर्ट जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले बिस्पोक करवाई है, एंड फर्स्ट टाइम तुम जब इसको पहनोगे ना तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन जैसे जैसे तुम यूज टू हो जाते हो तब तुम्हें एक्चुअल स्वाद आता है कि भाई एक्चुअली में लिनन है क्या चीज गर्मियों के लिए। और रेंज भाई हमारी स्टार्ट होगी 500 रुपए से, तो तुम्हें बहुत मजा आने वाले। तो भाई थोड़ा सा वीडियो का स्टाइल अलग रखेंगे, इस बार पहन के दिखाऊंगा और साथ साथ बताऊंगा कि किस तरीके की फिटिंग आ रही है। तो सबसे पहला है ये वाला पजामा। इसका जो प्राइस था ना सिर्फ और सिर्फ 569 का है, एंड ये कॉटन पजामा। देखो भाई इसमें लिखा है कि ये पजामा है, बट आई थिंक तुम इसको अपनी पैंट्स की तरह भी पहन सकते हो। जस्ट लुक एट इट। सिर्फ हाँ फैब्रिक वाइज अगर देखा जाए तो इसको तुम पजामा बोल सकते हो। इनकी इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी, इन्होंने अपनी लिस्टिंग में मेंशन किया है कि फैब्रिक विल गेट सॉफ्टर आफ्टर एवरी वॉश। तो इसका मतलब है इसको जितना तुम धुलवाओगे उतना ये अच्छा होता जाएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट एक नेचुरल फैब्रिक की फील तो तुम्हें आ ही रही है। टू बी ऑनेस्ट आई रियली लाइक द फिट। थोड़ी सी ऐसे स्ट्रीट प्लस ऐसे हिप्पी वाइब इसमें आ रही है, कहीं से भी कोई गुंजाइश मुझे लग नहीं रही है 600 रुपए के हिसाब। थोड़ा सा कैजुअल वेयर है एज यू कैन सी, सो डोंट एक्सपेक्ट टू मच ऑफ पैंट स्टाइल, क्योंकि जो आगे अभी पैंट कलेक्शन आने वाली है उसमें तुम्हें फॉर्मल्स प्रॉपरली देखना। और इसको पेयरअप करने के लिए ना बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स बन सकते हैं, इसकी मैं अलग से स्टाइलिंग दिखाऊंगा। आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे, सारी बजटेड फैशन की चीजें तुम्हें वहां पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट आती है ये कॉटन ट्राउजर्स। दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ बेवकूफ, एंड ये तुम्हें मिलती है 816 रुपए की। लेट मी ट्राई इट ऑन एंड शो यू गाइस। फर्स्ट फील ऑफ द फैब्रिक है ना, जैसे ही मैंने इसको पहना वो काफी अच्छी आ रही है, एंड जो कलर है मुझे उससे भी काफी ज्यादा प्यार है। स्लिम फिट में तुम्हें देखने को मिल रही है। अ क्विक एडवाइस भाई, अगर तुम्हें ये पसंद आ रही है तो अभी ले लो, ये वाला पर्टिकुलर कलर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, एंड प्रॉब्ली जब तुम ये वीडियो देख रहे हो शायद आउट ऑफ स्टॉक हो भी चुका हो। सो ट्राई और लक, अगर ये नहीं पसंद आए तो दूसरा कलर्स भी हैं ऑप्शन में अवेलेबल। कंफर्ट ऑफ दिस फैब्रिक इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। इसको पहन के ऐसा कुछ लगता ही नहीं, कुछ ऐसा टाइट सा अनब्रीदेबल सा पहना है। पहली फील जब पहली टांग तुम्हारी इसके अंदर घुसेगी ना तुम्हें एक अलग सी फील आएगी, विच मीन काफी सूदिंग फैब्रिक यूज हुआ। लेट्स टॉक अबाउट द फिट एज इट इज। इन स्लिम एंड स्लीक है, ऑब्वियसली दिस इज अ कैजुअल ट्राउजर, लेकिन ऐसा दिखना इस बजट में और इस फिट में इट्स क्वाइट ट्रिमेंडस आई वुड से। बेवकूफ एक बजट ब्रांड है, सो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जानना कि ये एक 100% कॉटन पैंट है, दिस इज नॉट लिनन एट ऑल। अगेन सेइंग कलर पसंद आता है, इसके अंदर कोई और कलर चाहिए तो भाई अभी मंगवा लेना, ये तुम्हें इतनी इजिली वरना नहीं मिलने वाले हैं, आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी होते हैं। सो आई लव दिस वन, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट चाहिए ब्राउन कलर की लिनन पैंट्स, एंड भाई ये तुम्हें देखने को मिलती है आई थिंक 1000 रुपए के बजट में, एंड इसकी जो प्रॉपर फिटिंग आई है जो मैंने पहले पहन के देखी थी दे रही है तुम्हें एक प्रॉपर लिनन पैंट की फील। ओके नाइस, सो द वेस्ट बैंड इज रियली नाइस। इसकी जो कंफर्ट लेवल है ना ऐसे बिल्कुल सुकड़ने वाला नहीं है, मैं ऐसे अंदर से फील नहीं होगा कि कहीं ना कहीं से कोई चीज तुम्हें जकड़ रही है। आई रियली लाइक एंड लव द फिट ऑफ दिस वन। वेस्ट बैंड में ऑब्वियसली यहाँ पर इलास्टिक है तो इसको पहनना भी उतना ईजी है जितना इसको स्टाइल करना ईजी होने वाला है, एंड मुझे कहीं से भी कोई भी इसमें गुंजाइश नहीं लग रही कि इसमें कुछ ऐड होना चाहिए था। आई लाइक द फिट, आई कैन मूव फ्रीली। सैडली ये कलर भाई आउट ऑफ स्टॉक है मैंने अभी देखा, लेकिन इसमें और भी कलर्स अवेलेबल है जो तुम इजिली बाय कर सकते हो। सो यू कैन गो फॉर दिस वन, थम्स अप फ्रॉम माय साइड। इसकी जो लाइनिंग्स आ रही है ना वो भी काफी क्लासी है। अपनी जितनी भी व्हाइट शर्ट्स है या फिर लिनन शर्ट्स है उनको इसके साथ पेयर करने के लिए, न्यूट्रल शर्ट्स को भी पेयर करने के लिए रेडी हो जाओ, बहुत अमेजिंग लगने वाली है भाई। आई रियली लव इट। इतनी महंगी महंगी मैं सिलवा के लाया हूं लिनन पैंट्स, उसके हिसाब से तो ये बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ा कंसर्न अगर प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी देखा जाए ना तो 1000 रुपए के हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी है। नेक्स्ट एक ऐसा मोस्ट डिमांडिंग कलर जो कि अगर लिनन और समर्स के हिसाब से देखा जाए सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। आई गॉट दीज स्लिम फिट वाइट लिनन पैंट्स फॉर जस्ट ₹1148। एंड वाइट के साथ ना एक प्रॉब्लम आ जाती है अगर तुम लिनन को कंसिडर कर रहे हो कि थोड़ा सा वो एक सी थ्रू फैब्रिक बन जाता है। लेट मी जस्ट ट्राई इट ऑन नाउ। द फिट इज अ लिटल टाइट, जैसे कि भाई मैंने 32 अपना साइज मंगवाया था, यूजुअली मुझे हर ब्रांड में फिट हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस ब्रांड में पर्टिकुलरली तुम्हें साइज अप करने की जरूरत है तो तुम्हें वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। ये थोड़ा सा वेस्ट पर मुझे हल्का सा अनईजी लग रहा है। अब इसमें एक अच्छी बात इन्होंने कर रखी है कि नीचे से ऑल्टरेशन के लिए ना फैब्रिक तुम्हें एक्स्ट्रा दे रखा है, मैंने बस इसको फोल्ड किया है। देखो सबकी लेंथ के हिसाब से ना अलग अलग चीजें होती है, सबकी लेंथ किसी की छोटी होती है किसी की बड़ी होती है, उसके हिसाब से ऑल्टरेशन ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, विच इज अ गुड थिंग। फैब्रिक कम्फर्ट इज एक्चुअली गुड।
क्योंकि जो लिनन होता है ना थोड़ा सा स्टिफ मटेरियल होता है हमेशा, तुम्हें ऐसा सॉफ्टर फीलिंग नहीं देगा, वो इसमें आ रही है। एंड लिनन का जो एक्चुअल स्वाद होता है ना वो इसमें तुम्हें कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है। टक इन करके अगर तुम इसको फॉर्मली पहनना चाहते हो तो काफी अच्छा एक ऑप्शन, जैसे मैंने अभी पहन रखी है। आई थिंक अगर एक फिटिंग वाली शर्ट हो जिस तरीके की लिनन शर्ट मैंने पहन रखी है उसके साथ ही काफी अच्छी लग सकती है, बस अगेन साइज अप करवाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और व्हाइट मैंने ना अभी खुद बिस्पोक करवाई है, वो इससे तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। भाई मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, वहां पर आएगी ये पूरी सीरीज। ये वाली भी जो कस्टमाइज शर्ट है ना लिनन की है, कैसे बनी किस तरीके से बात करी है वो सब बताऊं। नेक्स्ट भाई एक मेरे पास आता है प्रीमियम लॉन्जवेयर कैटेगरी में, ये भी तुम एक पैंट्स की तरह यूज कर सकते हो। एंड आई थिंक इस बजट में विच इज द बजट ऑफ 1174 काफी कंफर्टेबल तुम्हें एक वाइब देने वाली है। लेट मी जस्ट ट्राई इट ऑन क्विकली। इसका कलर भी मुझे काफी यूनिक लगा और एक ब्रांड की तरफ से आती है विच इज USPA, सो ऑब्वियसली तुम्हें भाई ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि तुम किसी ऐसे यू नो नकली चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड सी द फिट, कहाँ से लग रहा है कि ये पजामा, मैं तो बिल्कुल पैंट स्टाइल ही लग रहे हैं। लॉन्च वेयर तो यूजुअली पजामास को ही बोलते हैं, लोग इसको सोते हुए पहनते हैं, लेकिन जैसे मैंने इसको पहन रखा है अगर ये USPA का जो लोगो है वो हट जाए थोड़ा सा भी, अगर मैं इसको किसी और चीज का पेयर करूंगा तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि दिस इज अ लॉन्च वेयर, दिस लुक्स लाइक अ पैंट। इसे बस ट्राई करना कि बहुत ज्यादा हैवी फैब्रिक्स के साथ पेयर अप ना करो, या बहुत ज्यादा ऐसे हैवी जिसमें ग्राफिक्स होते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं उसके साथ तुम पेयर करोगे ना तो इतनी सटल नहीं लगेगी, क्योंकि जो कलर है ना हर किसी के साथ जाएगा नहीं। अपनी जितनी भी क्रोशे शर्ट्स हैं, कॉटन सॉलिड्स हैं या फिर ऐसे फ्लोई फैब्रिक विच इज रेयॉन, उसके साथ तुम इसको इजीली पेयर अप कर सकते हो। मेरे हिसाब से रियली कंफर्टेबल एंड गुड कॉटन ट्राउजर या पजामा जो भी तुम बोलना चाहो। ये फिलहाल स्टॉक में है एंड इसमें तुम्हें दो कलर ऑप्शंस और भी देखने को मिलते हैं, सो इफ यू वांट टू चेक दिस आउट यू कैन। ओवरऑल लुक से मुझे कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं लगता है, सो यू कैन सी कि किस तरीके की लग रही है एंड वेदर यू विश टू बाय दिस और नॉट, इट्स अप टू यू। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है भाई ये दिखने वाली लिनन ब्रांड चीनो पैंट्स, एंड इसका जो प्राइसिंग थी आई थिंक 1228 के करीब थी, एंड जस्ट लुक एट द डिजाइनिंग। आई विल ट्राई दिस वन ऑन एज वेल, एंड इसके ऊपर मैं ऑलरेडी रील भी ड्रॉप कर चुका हूँ इंस्टा पे, सो यू कैन चेक द फिटिंग ऑलरेडी देयर। हाँ मैं मानता हूँ भाई तुम लोग तलाश में होगे कि हमें बहुत सारे एक अलग अलग टाइप के कलर्स देखने को मिले, लेकिन लिनन ना एक नेचुरल फैब्रिक है, इसका नेचर ही नहीं होता कि ये कहीं से भी शिमरी या शाइनी लगे, तो वैसी वाली लुक कहीं से भी नहीं आने वाली है। और इसकी एक अजीब बात और है कि नेचुरल कलर्स इसमें और थोड़े से डल लगते हैं, लेकिन भाई जो लिनन पैंट्स को एक्चुअली पहन चुका है ना वही इसका स्वाद समझ सकता है। कमिंग बैक टू द कलर, ये थोड़ा सा बेज ज्यादा लग रहा है एंड खाकी कम, वैसे तो वेबसाइट पे मेंशन था कि ये खाकी है, लेकिन मुझे लगता है कि बेज एक ऐसा कलर है जो कि सारे कलर्स को अगर तुम टॉप वेयर की बात करो इजीली हैंडल कर लेगा, तो ज्यादा वर्सटाइल ये वाला कलर है, तो तुम इसकी तरफ जाना रादर देन द खाकी वाला अगर तुम्हारा बजट कुछ ज्यादा ही कम है। न्यूट्रल कलर्स जस्ट लाइक बेज एंड व्हाइट या कोई सा भी तुम मिनिमल कलर ले लो, उनकी खास बात यही होती है कि दे विल मेक यू लुक क्लासी विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। इस पर्टिकुलर चीनो ट्राउजर में 5 कलर ऑप्शंस हैं एंड व्हाइट भी है इफ यू वांट टू गो फॉर दैट वन, अगर तुम्हें वो पसंद आता है सो लिंक्स तुम चेक कर सकते हो। लास्ट चीनो मेरी लिस्ट पे आ जाती है एक कमालों की तरफ से फ्लेक्सी फिट लाइट ग्रे लिनन ट्राउजर्स, एंड इसका जो प्राइसिंग है वो सबसे ऊपर है 1800 रुपए का। ये भाई ब्रांड है आदित्य बिरला ग्रुप का, जो कवालो है ऑब्वियसली लिनन क्लब का ब्रांड है, एंड लिनन क्लब की एक ऐसी अच्छी खासियत है कि भाई ये जो प्रॉपर जो मटेरियल बनाते हैं वो बहुत ज्यादा प्योर होता है, एंड जो मैं बता रहा था कि मैंने बिस्पोक करवाई है वो सारा का सारा लिनन क्लब का ही मटेरियल था। मैं जस्ट ट्राई इट ऑन एंड सी कि कैसा इसकी भी फिटिंग आ रही है, लगता है मोटा हो गया। वाओ ऐसे स्ट्रेच भी हो पा रही है, नाइस आई लाइक इट। द फिट इज स्लिम एंड स्लीक एंड ये जो फैब्रिक है ये कॉटन लिनन है, दिस इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर लिनन बट या जस्ट लुक एट इट, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि काफी ज्यादा ये बेकार और चीप लग रही हो। 1800 रुपए इसके हिसाब से भाई बिल्कुल जस्टिफाइड है बिकॉज यू आर गेटिंग अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। इसकी जो मैंने फ्लेक्सी फिट के बारे में बताया उसने अभी क्या हेल्प करी मेरी, जैसे मैंने इसको पहना बाई चांस ये तुम्हारी वेस्ट पर टाइट भी होगी ना तो यहाँ पर ऐसे इलास्टिक लगा हुआ है जो तुम्हें हेल्प करेगा इसको लूजन अप करने में, एंड ईजिली तुम इसको ऊपर पहन सकते हो विदाउट यू नो ऐसे टाइटन ऐसे वाली जो फील होती है वो नहीं आएगी। दिस इज रियली कंफर्टेबल एट योर हिप एंड वेस्ट एज वेल। अब देखो दिखने में तो ये नॉर्मल चीनो पैंट्स की तरह लगेगी, तुम बोलोगे यार इसमें अलग क्या है, लेकिन लिनन में कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है ना बंदा तो वो लुक से ज्यादा उसके जो कंफर्ट होता है उसकी जो ब्रीदेबिलिटी होती है उसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं लोग, तो जैसा कि मैंने इसमें किया है एंड I don't regret it. इनकी एक प्योर लिनन कलेक्शन भी है जो थोड़ी सी ऑन द हायर साइड, इसलिए मैंने इस हॉल में इन्वॉल्व नहीं करी है, बट यू कैन चेक इट आउट एज वेल। एंड हाँ इसके अंदर भी तुम्हें 5 डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे, तो तुम या तो ये एक ले सकते हो या सारे ले सकते हो, तुम अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग चीजें पहन सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। मुझे तो ये काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी, 1800 रुपए के हिसाब से इट्स ओके, इट्स अ गुड डील लिनन ब्रांड
एंड कम्फर्ट ऑफ द फैब्रिक. Absolute. अब आ जाते हैं भाई इस वीडियो की समरी में. तो मैं अगर इनको कैटेगराइज करूँ ना, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर तुम्हें चाहिए बिल्कुल बजट फील्स में कुछ अच्छी लिनन पैंट्स की फील, तो तुम जा सकते हो थॉमस स्कॉट की, ये 1200 वाली चीनोस की तरफ. आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट. और अगर तुम्हें बहुत ज्यादा कम्फर्ट चाहिए, कम्फर्ट इज योर मेन प्रायोरिटी, तो तुम इसकी तरफ जाना, विच इज द USPA लॉन्जवेयर. एंड वहीं तुम्हें एक्चुअल फैब्रिक की फील चाहिए, तुम्हें यार पता करना है कि लिनन किस तरीके से काम करता है, कवालो इज द वन दैट इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू. एंड इसके साथ ही आज हमारा हॉल खत्म होता है. तुम और किन चीजों पर देखना चाहते हो हॉल, मुझे कमेंट से बताना, क्योंकि ये था लिनन पैंट्स का एक्सक्लूसिव. मुझे भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इन सब की स्टाइलिंग अलग अलग करके तुम्हें दिखाऊंगा मैं. तुम लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में. सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू एज द नेक्स्ट वन. बाय बाय.